सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी और मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज बात करूंगा रोजमर्रा की होने वाली एक बहुत सामान्य समस्या, तकलीफ ज्यादा देती है और परेशान ज्यादा करती है। तकलीफ का नाम है सीने में जलन और एसिडिटी। सीने में जलन और एसिडिटी एक सामान्य समस्या बन गई है और इस वीडियो में जो मैं चर्चा कर रहा हूं दवाई के बारे में चर्चा करूंगा और इसके कारण के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले कारण है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली जीवन शैली, खाने में बहुत ज्यादा मसालेदार खाना और देर रात तक जागने वाले काम। नाइट शिफ्ट भी होती है और मसालेदार खाना भी होता है, हरी सब्जियां सैलड होते नहीं खाने में और खाने में सारे बदलाव जो हुए हैं वो बड़े तकलीफ देह होते हैं। एसिडिटी होना, सीने में जलन होना, डकारे आना, पेट फूलना और गैस्ट्राइटिस, ईसोफेजाइटिस या रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, ये नाम है उन तीन बीमारियों के जो हमें जीवन शैली की वजह से हो रही हैं और एसिडिटी कॉज कर रही हैं। इससे बस जब बड़ी समस्या हो जाती है तो एक और समस्या जन्म लेती है जिसे बोलते हैं हिएटस हर्निया। इससे भी बड़ी होती है तो पेट के अल्सर। इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत जल्दी मैं बता रहा हूं। एक तो हमारे खाने पीने का टाइमिंग और शेड्यूल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से पेट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, पेट में यानी हमारे आमाशय में एक झिल्ली होती है जो हमें एसिड से बचाती है, जो हमारे ही पेट में बनता है, वो खराब हो रही है। बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना या एसिडिक खाना हमारे जीवन शैली में शामिल हो गया है जिसने हमें हमारे पेट को डिस्टर्ब के जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको खराब किया है, जो म्यूकस की झिल्ली है उसको खराब किया है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा पेन किलर्स यानी दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग करने से भी तकलीफ होती है। घुटनों के दर्द आए दिन होते हैं या जोड़ों में दर्द होते हैं और हम पेन किलर लेते हैं। आइब्यूजेसिक जैसे पेन किलर, डायनापार जैसे पेन किलर जो कि बहुत ज्यादा हैवी दर्द निवारक दवाइयां होती हैं उनको हम उपयोग करते हैं और वो हमारे म्यूकस बन की जो लेयर है हमारे पेट में उसको डैमेज करते हैं और ये बनाता है अल्सर और बाकी दूसरी तकलीफें। इसके साथ में पाउच, गुटका या खैनी या गुड़ाकू ये भी शामिल हैं जो कि बहुत ज्यादा स्तर पर हमारे पेट को, पेट की जो झिल्ली है उसको डैमेज कर रहे हैं और हमें अल्सर तक ले जाते हैं या स्टमक के कैंसर तक ले जाते हैं। इस बारे में हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसे पहचाना जाता है, पेट के अल्सर किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में कारण हम जानेंगे और उस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सामान्य जो तकलीफ हो रही है एसिडिटी की उससे निपटने के लिए एक दवा बता रहा हूं। दवाई का नाम नोट कीजिए, दवाई का नाम है हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी में। हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस 30 दो बूंद दिन में 2 से 3 बार की मात्रा में आपको इसे लेना है और ये दवाई आपकी एसिडिटी से आपको बचाएगी। सामान्य तकलीफ होती है, हल्की फुल्की एसिडिटी हो रही है, माइल्ड एसिडिटी है, आप केवल एक बार इस दवा को लें। थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है सुबह शाम करें और बहुत ज्यादा एसिडिटी आपको रहती है तो दिन में 3 बार भी आप इस दवा को ले सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस दवा को उपयोग नहीं करें। यदि आपको तकलीफ ज्यादा होती है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। सामान्य तकलीफों के लिए आप इस दवाई का उपयोग करें। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, आपकी एसिडिटी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देगा है ये दवाई। दूसरी दो दवाइयां और हैं जिनके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो लाइकोपोडियम और नक्सवामी का 200। लाइकोपोडियम 200 और नक्सवामी का 200 के बारे में सिम्टम्स भी बताया कि लाइकोपोडियम में खट्टी डकारें आती है, इस तरह का सेंसेशन होता है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम आपकी बहुत अच्छी दवा है, उसमें पेट फूला फूला सा लगता है। और नक्सवामी का है जिसमें आपके मोशन क्लियर नहीं होते, सॉफ्ट स्पून में भी स्ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती है और आपका रात रात में जागने का टाइम बहुत ज्यादा होता है, रात में जागते हैं, वर्कोहोलिक आप हैं, तो उस तरह की पर्सनालिटीज के लिए नक्सवामी का यूज होती है।
तो ये तीन दवाइयां मैंने आपको बताई, लेकिन सबसे मुख्य दवा है एसिडिटी के लिए, वो है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। इसे यूज करें और फर्क देखें, बहुत सस्ती दवा है। देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वो अपने लिए मंगवा लें दवाइयां, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी फार्मेसीज हैं, आप नाम इसका टाइप करेंगे हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हैं या किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के यहां से या किसी भी होम्योपैथी स्टोर से भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है और जो दवाइयां मैं यहां बता रहा हूं वो कहीं भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उपलब्ध नहीं होंगी, और बहुत सस्ती दवाइयां। आशा है ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह पसंद आएगा और आप इसे बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मल स्टूल चिपकता है और पेट खराब होता है, लैट्रिन ठीक से साफ नहीं होता। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और उन्होंने फॉलो करना चालू किया और कमेंट बॉक्स पे आपके कमेंट देखकर हमें खुशी होती है कि आप ठीक हो रहे हैं। इस चैनल के वीडियोस सारे प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा थ्योरीज के बारे में हम आपको डिस्कस नहीं करते, हम आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट सिम्टम्स बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। तो आपको करना यही है कि यदि आपको जिस तरह का सिम्टम दिख रहा है, आपको उस तरह का वीडियो मिलता है, आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए। आपको तकलीफ, सामान्य तकलीफों के लिए आप इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, यदि आपको तकलीफें बड़ी हैं तो आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना ही चाहिए और जाना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।